वी आर कमिंग इन हवाई अड्डा। ठीक है, मेरा जूम नहीं होता उतना अच्छा, और ये सब दोस्ती यार में बदनाम लड़के हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइम हम लोग आते हुए हवाई अड्डा जो बोकारो में है, बोकारो में फर्स्ट ये हवाई अड्डा है और ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने वाला है। यहाँ सबका हवाई जहाज उतरेगा, सब देश का, सब जगह का। और हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं अभी, बहुत देर से नहीं, अभी जस्ट घुसे ही है। और एंट्री आप देख सकते हैं यहीं पे। और यहाँ मेरे दोस्तों लोग भी वीडियो बना रहे हैं, और ये बहुत बड़े यूट्यूबर है, 13,000 सब्सक्राइबर है इनके। तो आगे चलते हैं और इंट्रो शूट करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग हवाई अड्डा में आते हुए, और यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत मात्रा में भीड़ है ये देखने के लिए कि यहाँ कितना बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है और इंटरनेशनल बन रहा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पहले भी यहाँ हवाई अड्डा थे लेकिन प्राइवेट थे, ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे, लेकिन अब सब आ सकते हैं। और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है इसे। अभी यहाँ पे एक चीज़ चल रहा है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 800 रुपये देने के बाद आपको हवाई जहाज में बैठा के पूरा बोकारो का दर्शन घुमाया जाएगा यार। देखिए मेरे दोस्तों ने मेरी बात जो कि दिखावे के लिए रखा गया है। ये अभी सैंपल है जो 800 रुपया लेकर यार जो आपको बोकारो दर्शन कराएंगे। मैं दोस्त बोला ये पी दिया लेकिन इसे नहीं पता, इसे में भी घूमने में आपको बहुत ही मजा आया। तो देखिए आ रहा है, अरे वी आर कमिंग इन हवाई अड्डा। फिर से हवाई जहाज में बैठे हुए आप देख सकते हैं, और इतने भी टेबल कराया जाएगा और बहुत टेबल कराया जाएगा, बहुत जगह घुमाया जाएगा। मेरा जूम नहीं होता उतना अच्छा, और ये सब दोस्ती यार में बदनाम लड़के हैं। कितना मस्त लग रहा है वो, आप स्लो मोशन में देखिए। टाइम है भगवान करे कि सेकंड टाइम जब आए ना डेट उसके ऊपर चढ़ के यूट्यूब फैन फेस में जाए, वो आप लोग के इस आशीर्वाद हो तब। तो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया जो बहुत ही मस्त था। मैंने ये सीन पहली बार देखा, इससे पहले मैंने कभी इतना दिन से मैं यहाँ बोकारो में रहता हूँ लेकिन आज तक मैं हवाई अड्डा में नहीं घुसा। और ये मेरा फ्रेंड है, और इधर भी मेरा एक फ्रेंड है, और घूमने का जो मज़ा है बोकारो में बहुत जगह है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ इस टाइप का है, और ये ब्लॉग इसी को देखने के लिए बहुत भीड़ लगाए हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा जगह में फायर सर्विस बन रहा है। और एक फायर सर्विस बहुत दूर में यहाँ पे खड़ा है, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन यह डाउट दे दूँगा। और देखिए वो लैंडिंग लिया और वो उड़ते हुए आप लोगों को दिख रहा हो तो ध्यान से एक, अब वो जो उसके ऊपर बैठे हुए उसे आधा बोकारो घुमा दिया जाएगा उसी के ऊपर में, और उसके बाद उसे ला के यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ये दिन भर का यार यही काम है, क्योंकि इसे आदमी जान पाए कि यहाँ एक हवाई अड्डा बना है, और उसे देखने के लिए यहाँ के जो अगल बगल के आदमी है वो देख पाए। अड्डा बहुत ही छोटा हुआ था। All the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same. I won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, broken love. हवाई अड्डा का जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो कहाँ? प्लेटफॉर्म बनेगा, आदमी आएंगे कुछ अपने सामान लेके, चेकिंग वोकिंग बहुत सी आपने भी हवाई अड्डे में देखी होगी, तो वो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है बहुत। तो धीरे धीरे हवाई अड्डा मतलब यहाँ बनने वाला है बहुत हैवी, और बहुत ज़्यादा जगह को इसने ले चुका है अपने अंडर में। आप देख सकते हैं इतना बड़ा अभी यहाँ पे ये बन रहा है। मेरे फ्रेंड भी यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं लेकिन ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ। ये बात आप सभी को बता दूँ कि ये
बहुत बड़ा जगह है, तो मैं धीरे धीरे स्लो मो बहुत सारी एक्टिविटी करने का सोच रहा हूँ। अब ये जहाज नहीं उड़ने वाला है क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है और यहाँ सब लोग जाने वाले हैं, तो हम ही निकलेंगे, लेकिन अभी वीडियो में आप बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है जो लाल दिखता है तब से मार दे, और मेरे दोस्त को जैसे मैं मार रहा हूँ, मैं मारने जा रहा हूँ, उसी टाइप से मारिएगा। क्या लग रहा, मैं मार नहीं पाऊंगा क्या? मैं अगर इसे मार दिया तो सब्सक्राइब करेंगे ना आप लोग? बोलिए मैं इसे हाँ, इसका चैनल है जिसमें बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है इसलिए इतना ये बक रहा। Make awesome. It's all the same. Some things never change. I couldn't stop and say. वीडियो रिकॉर्डिंग मना करना मना, जैसे ऐसे कर रहे ना जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग आएंगे ही नहीं, या कैमरा सिटी से में कैमरा लगेगा ही। देख लेने की तो जिसके कारण हम लोग जा रहे घर। अब आपको वीडियो कैसे लगी वो तो आप नीचे कमेंट में ही लिखेंगे। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी नहीं लगी तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिले। मैं मार के छोड़ूंगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने मारा जरूर मारा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा पूरा क्लिप।